राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है और हम लोगों की जीत तय है। नौकरी के बदले जमीन मामले में आज लालू परिवार के दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुआ था। इस पेशी में आपको बता दें कि ईडी केस में जमानत दे दी गई है। ये जमानत लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मिसा भारती और अन्य 8 लोगों को ईडी केस में जमानत दी गई है। 1-1 लाख रुपए के मुचकले पर जमानत दी गई है। इसके बाद से तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। जी हाँ, जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि इस केस का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है और इस साजिश के तहत हमारे परिवार को फंसाया जा रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि अक्सर हमारे परिवार को सीबीआई ईडी भेजकर फंसाने की कोशिश अक्सर की जाती है और एक बार फिर से इस केस में कोई भी दम नहीं है और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कह दिया है कि कोई दम नहीं है इस केस में। उन्होंने ये भी कहा है कि निश्चित तौर पर राजनीतिक साजिश के तहत हम लोगों को फंसाया गया है और सभी एजेंसी केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो जरा सुने आप लोग। राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी है उनका दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है और हम लोगों की जीत तय है। आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। साफ तौर पर कहा है कि सभी बड़ी बड़ी एजेंसियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। अक्सर ये बातें सामने आती है और विपक्ष के द्वारा अक्सर ये बातें कही जाती है कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को आज जमानत मिली है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव समेत 9 आरोपी को जमानत दी गई है। 1-1 लाख के नीचे मुचकले पर यह जमानत दी गई है। ऐसे में आपको बता दें कि यह मामला काफी पुराना है, जब लालू प्रसाद यादव रेलवे में मंत्री थे और 2004 से लेकर 2009 के तक वो रेलवे में मंत्री थे और उस दौरान उन्होंने नौकरी लेकर जमीन दी थी, ऐसा सीबीआई कहता है। ऐसे में यह केस सीबीआई ईडी के पास चल रहा है और आए दिन उसको लेकर खुलासे जो है वो होते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने तब नौकरी दी थी जब किसी भी तरीके का कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया था, क्योंकि केंद्र और बिहार सरकार किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर सरकारी नौकरी दी जाती है तो उसके लिए पहले विज्ञापन निकाला जाता है। लेकिन इस नौकरी के लिए कोई भी विज्ञापन नहीं निकाला गया था और बिना विज्ञापन निकाले बाजार से 5 गुना कम दाम में लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अन्य लोगों के नाम जमीन लिखवाई थी और तब उन्होंने नौकरी बांटा था। आए दिन उसको लेकर सवाल किया जाता है। सत्ता पक्ष लगातार लालू प्रसाद यादव को घोटाले मामले में सवाल उठाते रहते हैं, चाहे वो चारा घोटाला मामला हो या फिर लैंड पॉट जॉब मामला। ऐसे में बता दें कि आज जमानत दी गई है और अगली सुनवाई जो है वो 8 अक्टूबर को होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।